दोस्तों, जिस प्रकार अंतरिक्ष की दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, उसी तरह समंदर की दुनिया भी रहस्यों से भरी पड़ी है। जितना हम अंतरिक्ष को समझ चुके हैं, उतना हम समुद्र की गहराई को नहीं समझे हैं। इसके अंदर विश्व के इतिहास के न जाने कितने राज दफन हैं। वही समय समय पर समंदर की गहराई से रहस्यमयी और अजीबोगरीब चीजें मिलती रहती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समंदर में मिली 10 सबसे अद्भुत और रहस्यमय चीजों के बारे में बताएंगे, जिनको देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। नंबर 1 पर है बेशकीमती पत्थर। सन 2010 में खजाने की तलाश करने गए जय मिस्कोविच नाम के एक व्यक्ति को लगभग 10,000 बेशकीमती पत्थर मिले थे। यह पत्थर उनको फ्लोरिडा के तट से मिले थे। माना गया था कि इन पत्थरों की कीमत लगभग $500 million था। मतलब आप समझ सकते हैं कि वह पत्थर कितना अद्भुत। नंबर 2 पर है समुद्री लुटेरों की तोप। सन 1996 में एक खतरनाक समुद्री लुटेरे ब्लैक बर्ड का जहाज द क्वीन एंस रिवेंज को नॉर्थ कैरोलिना की तट से बरामद किया गया था। वही 2013 में जहाज के मलबे में 5 तोपें मिली थी। माना गया था कि हर तोप का वजन लगभग 2000 से 3000 पाउंड के बीच था। नंबर 3 पर है डूबा हुआ शहर। सी चेंग एक प्राचीन चीनी शहर था जो अब समंदर के नीचे है। इसे एटलांटिस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस डूबा हुआ शहर 600 साल पुराना है। कहा जाता है कि इसे बिजली परियोजना और एक डैम के लिए जानबूझकर डुबाया गया था। नंबर 4 पर है जहाजों का कब्रिस्तान। साउथ पैसिफिक के जुग लगून में एक बड़ा जहाजों का कब्रिस्तान मौजूद है। यहाँ कई पुराने जहाजों के मलबे मौजूद हैं। माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ लगभग 60,000 जापानी जंगी जहाज और 200 एयरक्राफ्ट अटैक के बाद डूब गए थे। नंबर 5 पर है प्राचीन ग्रीक कंप्यूटर। दोस्तों, इस प्राचीन यंत्र को ग्रीक आइसलैंड से प्राप्त किया गया था जो लगभग 2000 साल पुराना बताया जाता है। उस समय तो माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियां इन्वेंट भी नहीं हुई थी और कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि यह कोई प्राचीन ग्रीक एनालॉग कंप्यूटर हो सकता है। नंबर 6 पर है जहाज का मलबा। दोस्तों, इस जहाज का नाम स्विप टैक्स है। यह एक कैनेडियन जहाज है जिसे 1867 में बनाया गया था। वही माना जाता है कि को आइलैंड के आसपास कोयले की ढुलाई के दौरान ये जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद इस जहाज को 1885 में डुबा दिया गया था। नंबर 7 पर है आई बॉल। दोस्तों, क्या हो अगर आप एक शांत समुद्र के बीच मजे ले रहे हो और तभी आपके पैरों पर एक रहस्यमय चीज चकरा जाए, एक आंख जिसका आकार इतना बड़ा हो कि हमारे दोनों हाथ में ना समाए। जी हाँ दोस्त, अक्टूबर 2012 में फ्लोरिडा में मौजूद पोम्पानो बीच पर लोग तब हैरान रह गए जब उनको समुद्र किनारे एक बड़ी आंख मिली। लोगों का कहना था कि यह आंख किसी दानव का हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस बीच पर एक भी लोग घूमने के लिए नहीं आए, क्योंकि लोगों का कहना था कि जिस जीव का आंख इतना बड़ा है तो वह जीव कितना बड़ा होगा। तो दोस्तों, ये थे समुद्र की गहराई में मिली रहस्यमय चीजें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।